हेलो फ्रेंड, दिस इज कुशांत तिवारी अगेन फ्रॉम कोलकाता। आज हम जो वीडियो आप लोगों को सामने लेकर आया हूँ वो स्लीप्स का एक वीडियो। तो मैं आज जो वीडियो दिखाऊंगा, मैं बहुत सारा स्लीप दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि जो कैप स्लीप्स होता है, मैगियर स्लीप्स होता है, जो पप स्लीप्स होता है, प्लेन स्लीप, माइक्रो स्लीप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीप्स एंड डिजाइनिंग स्लीप्स, ठीक है। तो ये हम आप दिखाएंगे जे कितना स्टिच हम कर सकते हैं डिजाइन में, कितना प्लेन स्टिच में, किसे कौन स्टिच को कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो वो दिखाए, तो इस वीडियो में आज मैं दिखा रहा हूँ प्लेन स्टिच कैसे आप करेंगे। सिंपल सा एक वीडियो है फ्रेंड, मैंने पहले भी दिखा दे चुका हूँ आप लोगों को प्लेन स्टिच कैसे कटिंग करें, ठीक है। तो उसके बाद हम और स्टिच के और हम भरेंगे, ठीक है। तो हम पहले दिखाएंगे प्लेन स्टिच हम कैसे करें, सॉरी प्लेन स्लीव्स हम कैसे कटिंग करें, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है स्लीव्स काटने का, ठीक है। आप पहले उस फॉर्मूला को लिख लीजिए, हम दे देंगे इसमें, प्रैक्टिकल भी दे देंगे। ये मैं एक स्लीव्स काटने जा रहा हूँ जो 32 साइज, ठीक है, 30 साइज 2 का स्लीव्स है। और हमारा आर्म होल रहेगा ये हमारा 16 होगा। ये एक स्लीव्स में करने जा रहा हूँ, ठीक है। हम फुल ले रहा हूँ, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए जरा ठीक से, ठीक है, क्लियर है। फुल लेंथ हम इसको करेंगे, हम 6 लेंगे, ठीक है। और हम इसका जो स्लीव्स राउंड है, स्लीव्स राउंड को हम 6 ही करेंगे, ठीक है। और साइज होगा, ठीक है, साइज 32 साइज का आर्म होल 16 करें, ठीक है, आर्म होल 16। तो ये जरा नोट की आप कीजिएगा, ये जो मैंने दिखाया, तो इस जो मैंने लिखाया अभी इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कैमरा को धीरे धीरे मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम फॉर्मूला देंगे इसको, जो स्लीव कटने का एक नेचुरल एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम इसका 7 लेंगे, ठीक है, ये 6 है। और इसके बाद हम ये है फॉर्मूला आप दिखा रहे हैं हम फ्रेंड, तो ये हमारा फोल्ड है, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को दिखाऊ, ये फोल्ड साइड है, आपको ऐसा एक निशान देना है, ठीक है, ये फोल्ड है, ठीक है। ये सिंबल आपको देना है जिस तरफ आपका फोल्ड है, और आपको 7 है, हमारे इस तरफ भी 7 लेंगे हम। उसके बाद ऐसे हम उससे कटेंगे, आप लोग स्केल से कीजिएगा, मैं तो ये टेप से कर रहा हूँ। तो ये हो गया, अब हम क्या करना है फ्रेंड, इस टाइप का मेजरमेंट होता है, आप लिख लीजिए ये बात को, 1/4 टॉप बास्ट, ठीक है, माइनस 1 इंच, ठीक है। और आप इससे भी ज्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे ज्यादा क्यों करें, ठीक है, ये इस तरह भी हम कर सकते हैं। और ये स्लीव्स का जो फॉर्मूला है, मैं बहुत सारा वीडियो में आप लोगों को दिया है ये स्लीव्स कैसे कटिंग करें। तो फ्रेंड हम इस स्लीव्स को हम नए स्टिच करेंगे, ठीक है, हम सिर्फ पैटर्न करेंगे। और अब पैटर्न जब आप कर सकोगे तो खुद ब खुद अब स्टिच करने पाओगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरफ हमको मेजरमेंट लेना है 1/4 तक, यानी कि हमारा बास्ट अगर हो, ये भी अब लिख लीजिए, हमारा बास 36 है, ठीक है, हमारा बास अगर 36 है तो हम उसका 1/4 कैसे करेंगे, यानी कि 4 and 9 होगा हमारा, ठीक है। तो 9 एंड इससे हम क्या करेंगे, 8 करेंगे, ठीक है। मगर फ्रेंड हम इसे और भी माइनस ज्यादा क्यों करें, तो क्योंकि फ्रेंड आप लोगों को अगर कोई भी पर्सनली किसी का मेजरमेंट अगर लेंगे आप, तो उससे क्या होगा, आप मेजरमेंट तो आर्म होल का पाई जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उसी तरह आपको करना है, अगर ये हमारा 8 होगा तो ठीक है, मगर अब जो मेजरमेंट आपने ले लिया तो उसका तो शायद आपका 15 है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कम करना है, मैंने यानी कि आपको माइनस ज्यादा करना है, ठीक है। तो वो बातों को छोड़िए, मैं 1 इंच का दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, 1 इंच। और इसमें करना है, ठीक है, तो आपको यह तक करना है,
ऐसे करना है 1/8 ऑफ बास्ट माइनस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यानी कि आपको 36 बास्ट को अगर आप 8 भागा करें तो उससे क्या होगा 4.5 होगा, यानी कि इस तरह होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हाफ इंच कर सकते हैं, ठीक है, और उससे भी ज्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या कर रहा है इसमें, तो सारे चार होता है और 4.5 होता है, हम माइनस ये है हमारा 4.5 एंड उससे हम माइनस हाफ इंच करेंगे, हम 1 करेंगे। कभी कभी हम करते हैं डेढ़ इंच करते हैं माइनस, ठीक है। ये फ्रेंड अकॉर्डिंग टू योर आर्म होल पे ऊपर निर्भर करता है ये, ठीक है। अगर आपका आर्म होल कोई बता दे कि हमारा आर्म होल हिया है 36 ब्लाउज का, आप तब क्या करेंगे, अगर काम करना है तो ऊपर जाना है तो कम हो जाएगा, नीचे अगर ये माइनस कम करे तो, और माइनस ज्यादा करे तो ये आर्म होल कम हो जाएगा, और माइनस अगर इसमें कम करे तो क्या होगा, तो ये आर्म होल ज्यादा हो जाता है, ठीक है। यानी कि ऊपर हम जब 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 जाएंगे आर्म होल कमता जाएगा, नीचे हम जाएंगे तो आर्म होल बढ़ता जाएगा, ठीक है, यही मुद्दा बात है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके हाफ इंच नहीं, हम 1 इंच माइनस करेंगे, ठीक है। तो मैंने यानी कि फॉर्मूला है, देख लिखिए अब 1/8 ऑफ बास्ट माइनस 1 इंच, ठीक है। ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, और आप हाफ इंच कर सकते हैं, डेढ़ इंच कर सकते हैं, कभी भी कर सकते मच, बट अब वो निर्भर करता है, जैसे मैंने बताया उस टेक्निक से ये निर्भर करता है। तो हम 1 इंच किया है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड, ऐसे करेंगे, ठीक है, हो गया। और उसके बाद हमारा जो ये है, यह 6 मैंने रखा है, ये मेजरमेंट हमारा स्लिप राउंड है, ये 6 है, तो एटा 6.5 होगा, ये देखिए ऐसा है, बस हो गया। ये इसका नाम है, स्लिप का नाम है फ्रेंड प्लेन, PLAIN SLEEVES, इसे कहते हैं प्लेन स्लिप। अब हम इसे कटेंगे, ये देखिए हो गया। आप ये मेजरमेंट कब लिख लीजिएगा, ये देखिए हो गया हमारा स्लीव्स कटिंग हो गया, ठीक है, ठीक है। देखिए ये फ्रेंड, तो हम जब स्लीव्स जब देंगे नया नया दिखाएंगे, जिसके फ्रेंड स्टिच करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ये समय अपना वक्त वेस्ट करने के लिए मैं स्टिच नहीं करूँगा, वो ऐसे ही दिखाएंगे। ये बटन आप कहीं भी आप बैठा कर आप काट सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका नाम है प्लेन स्लिप, ठीक है। अब हम दिखाएंगे पप स्लिप, ठीक है। तो फ्रेंड पप स्लिप किसे कहते हैं, आप देखिए ज़रा वो कैसे हम कटिंग करें, वो हम अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड पप स्लिप करने के लिए आपको ये इस तरीके से आपको करना है, देखिए डायरेक्ट मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। वो करने के लिए आप लोगों को ऐसा ही हमें एक मेजरमेंट लेना है, जो स्लिप मेरा स्लिप का मेजरमेंट चाहिए, ये हमारा फोल्ड साइड है, ठीक है, इसमें फोल्ड है हमारा, ठीक है। और हमको एक स्लिप का एक मेजरमेंट चाहिए, जो हमारा फुल लेंथ होगा, ठीक है, हमारा फुल लेंथ होगा, आप लिख लीजिए फुल लेंथ हमारा 6 है, और हमारा जो राउंड है वो भी 6 रहेगा, ठीक है। ये हमारा स्लिप्स का एक पप स्लिप हम कटेंगे अभी। पप का मतलब है फ्रेंड, जो ये जो प्लीट देखा, जो हम उसको